वेलफेयर कमेटी ऑन माइनॉरिटीज की पहली मीटिंग यहाँ पे आज हुई। यहाँ पे तमाम मेम्बरान तकरीबन जो जो लोग आ सकते हैं यहाँ पे मौजूद थे, जिसमें MIM फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, MLC रिजवी साहब, MLC फारूक साहब, MLC सलीम साहब, MLA विनय भास्कर साहब, MLC एलवी स्टीफन साहब, और तमाम माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी उमर जलील साहब, और तमाम ऑफिसर्स ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, और तमाम लोग यहाँ पे इस मीटिंग में मौजूद थे। तमाम माइनॉरिटी के 1204 करोड़ का एक खतीर रकम जो है जो तेलंगाना हुकूमत में माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए दी है, उसके बारे में किस तरीके से माइनॉरिटी फंड्स जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, स्कॉलरशिप्स रहने दीजिए, उर्दू एकेडमी रहने दीजिए, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल रहने दीजिए, तमाम मसलों पे यहाँ पे डिटेल डिस्कशन हुआ। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड हुई है और नेक्स्ट मीटिंग में तमाम डिटेल भी यहाँ पे फराम किए जाएंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो 10 लाख रुपए माइनॉरिटीज़ के लिए ओवरसीज एजुकेशन के लिए हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं, उसको SC ST के पार जो है 25 लाख रुपए ओवरसीज एजुकेशन के लिए फराम करने के लिए भी तमाम मेंबर की यहाँ पे रिक्वेस्ट थी, इस पर भी गौर किया गया। और जो दिल्ली में हमदर्द स्टडी सर्कल है, जो लोग बेहतरीन IAS IPS ऑफिसर सिविल सर्विसेज के लिए बेहतरीन जो है वहाँ पे तालीम दी जा रही है, कोचिंग दी जा रही है, उनको यहाँ पे उनकी जानिब से भी एक सेंटर यहाँ पे हैदराबाद में कायम करके जो माइनॉरिटी स्टडी सर्कल के लिए हुकूमत ने बजट फराम किया है, उससे अगर कोई अच्छे स्टडी सर्कल्स में अगर इनको तालीम मिली जाए तो बच्चों का सिलेक्शन बड़े पैमाने पे सिविल सर्विसेज में भी माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी हो सकती है। ये बोल के 9 अगस्त को ये माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी दिल्ली का दौरा करेगी। दिल्ली में जो हमदर्द इंस्टीट्यूट है वहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे तालीम दी जा रही है, और उनसे भी जो है दरख्वास्त करेंगे कि हैदराबाद में आप अपना एक स्टडी सर्कल यहाँ पे कायम करें। इसके अलावा आली जनाब चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब की जानिब से 5 करोड़ रुपए जो है अजमेर में हैदराबाद के लोगों के लिए रुबात कायम करने के लिए जो सैंक्शन किए गए थे, उसके लिए थोड़े से जगह वहां पे मिलने के मसाहल हो रहे हैं, तो कमेटी की विजिट भी जो है अजमेर में होगी कि अजमेर दरगाह के करीब वहां पे अगर 200-300 गज लैंड अवेलेबल है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ये चाहती है कि बेहतरीन 1-2 एकड़ पे तमाम सहूलतों के साथ जो है वहाँ पे जो भी हाजरीन अजमेर जा रहे हैं उनकी तमाम तरीके से जो है वो लोग तमाम फैसिलिटीज़ उनको फराहम की जाए, ये इस नज़रिए से हम लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए या दरगाह के करीब लैंड लेना है या थोड़ा दूर पे लोगों को हाजरीन को सहूलत हो सकती है क्या, वो खुद कमेटी जाके उसका जायज़ा लेगी, दौरा करेगी, उसके रिकमेंडेशन पर हुकूमत जो है आगे फैसला लेगी वहाँ पर जगह लेने का। और इसके अलावा भी जो है जितने भी वक्त जायदादें हैं, जैसा अभी बेगमपेट की जायदादों की बात की गई जो मेट्रो को रेंट पे देने की, जिससे वक्फ की ज़राए आमदनी में जो है इजाफा होगा और उससे जो है मुसलमानों की बहबूती में वो पैसा काम आएगा। जो हजा उसके बाजू बिल्डिंग है वो भी इमीडिएट टेंडर बुला के वो भी जो है रेंट पे देने के लिए भी डिस्कशन किया गया, तमाम दूसरे वक्फ के मसाइल पे भी डिस्कशन किया गया है। तो इंशाल्लाह सब पे जो है कॉल लेंगे। ये जो माइनॉरिटी कमेटी है तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी असेंबली कमेटी ज़रूर जो है मुसलमानों की अकलियतों की बहबूती के लिए काम करेंगे, और पुख्ता तरीके से जो स्कीमात है उसकी अमलावरी हो रही है या नहीं हो रही है उस पर पुख्ता तरीके से जो है मेहनत करेंगे इंशाल्लाह तमाम मेम्बर। रीड करने के लिए पेश करने का दावा भी किया गया, तकरीबन 10 करोड़ रुपए जो है उनको दिए गए, और उनका जो कमीशन का जो टाइम है वो 30 सितंबर तक एक्सटेंड कराया गया। जैसे ही कमीशन की रिपोर्ट आएगी इवन माइनॉरिटी कमेटी की तरफ से भी रिकमेंड करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें BC कमीशन डाल दिया जाए, और अकलियतों पे 12% की रिजर्वेशन की बात जो CM साहब बार बार करते हुए आ रहे, अभी हाल ही में निजाम कॉलेज में जो बहबूती काम है उसकी अमलावरी सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, ये एक कमेटी का काम है। रिजोल्यूशन कमेटी में पास नहीं होते,
करेगा। ये सिर्फ सिपाले मुसलमानों के साथ इंसाफ करने वाले हैं तरीके से सीएम साहब का दावा है और सीएम साहब का पक्का इरादा है और इस पे जरूर हमलावरी होगी। कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी इस पे कर सकते वो किया जा रहा है। जैसे सुप्रीम कमीशन की रिपोर्ट आएगी बीसी कमीशन कायम किया जाएगा उसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली आगे मूव होना है वो होगा और जरूर 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलेगा।